हेलो बच्चों, आज मैं आपको तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ पढ़ाऊंगी, जो शरद जोशी द्वारा लिखा गया है। तो अतिथि कौन होता है? जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती उसे अतिथि कहते हैं। यहाँ लेखक के घर एक अतिथि आता है। लेखक 4 दिन तक उसका बहुत सम्मान करता है, लेकिन आदर सत्कार करते करते बहुत परेशान भी हो जाता है। वह मन ही मन उस अतिथि से पूछता है कि तुम यहाँ आराम से सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हो और उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। तुम्हारा आतिथ्य बहुत लंबा हो गया है। इतनी देर तक तो चांद पर गए विमान यात्री चांद पर भी नहीं रुके थे। तुमने 4 दिन रहकर मेरी हालत पतली कर दी है, अब चले जाओ। हे अतिथि, तुम्हारे आते ही मेरा बटुआ कांप गया था, लेकिन फिर भी मैंने मुस्कान से आपका स्वागत किया। रात के भोजन को मध्यम वर्गीय डिनर में दो सब्जियां, रायता तथा मीठा भी बनवाया। सोचा था कि तुम सुबह चले जाओगे, परंतु तुम जमे रहे। फिर भी हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और सोचा था कि जब तुम जाओगे तो हम कहेंगे कि नहीं रुको, और फिर नहीं रुकने पर स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन भी नहीं गए, बल्कि तुमने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की। इससे तुम्हारी और ठहरने की इच्छा प्रकट होती है। ये हमारे लिए एक अप्रत्यक्ष आघात था। अब हमें अतिथि की जगह अर्थात अतिथि देवता की जगह राक्षस लगने लगा। पत्नी ने सुना कि वो अभी और रुकेंगे तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। चौथे दिन कपड़े धुलकर आ गए, किंतु तुम फिर भी रुके हुए हो। हमारे संबंधों में मुस्कराहट फीकी पड़ गई, बातचीत के सभी विषय खत्म हो गए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई और भावनाएं भी गालियां का रूप लेती जा रही थीं। पता नहीं तुम क्यों गोंद की तरह चिपक गए। लेखक अतिथि को कहते हैं कि घर को स्वीटनेस या स्वीट होम कहा गया है, परंतु तुम्हारे अधिक समय रहने से हमारी स्वीटनेस खत्म होती जा रही है। अब तुम चले जाओ, वरना मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा, क्योंकि देवता और मनुष्य अधिक समय तक एक साथ नहीं रहते। इसलिए अपना देवत्व सुरक्षित रखना चाहते हो तो अपने आप विदा हो जाओ। कभी किसी के घर अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है, अतिथि कम समय के लिए ही स्वीकार होता है, नहीं तो वो राक्षस दिखने लग जाता है।